अचीवर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो परमिशन है, परमिशन कहां से हमें? जैसा कि सर ने बताया कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय सहकारिता विभाग द्वारा हमें परमिशन है कि हम यूपी और एमपी में काम कर सकते हैं, और जो हमारी रजिस्ट्रेशन संख्या है वो है MSCS/CR732013। मतलब पूरे इंडिया के अंदर 732वें नंबर पर हम काम करते हैं, अपने सदस्यों के बीच लेन देन का काम करते हैं। आप में से कोई MSCS जानता है सर? MSCS क्या है? नो सर, इसका एक्ट, एक्ट MSCS एक्ट, जी जी जी, MSCS एक्ट, एक्ट 2002, मतलब 2002 एक्ट 2002 के अनुसार हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड है। जो एक्ट 2002 बनाया गया था उसके उसके अंडर में ही, मतलब जो भी सोसाइटी है वो 2002 एक्ट के तहत ही चलती है। तो ये तो हो गया सर कि कहां से हमारे लिए परमिशन है और किस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। अब क्या काम करते हैं? अपने सदस्यों के बीच लेन देन का काम करते हैं। किस प्रकार से काम करते हैं सर? सर ने बताई दिया लगभग लगभग कि हम बचत खाता भी खोलते हैं, रेकरिंग डिपोजिट भी करते हैं, फिक्स डिपोजिट भी करते हैं, और भी जो समय समय पर जो न्यू स्कीम्स हैं उनको भी लॉन्चेस करते हैं। तो अगर हम इसमें काम करना चाहें या अगर हम इसमें काम करते हैं तो किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं? तो सोसाइटी का पहला रूल होता है, सबसे पहले तो अपन को सदस्य बनना पड़ता है। बिना सदस्य के तो कुछ हम कर ही नहीं सकते सोसाइटी में। जब तक हमें मेंबरशिप, जब तक हम सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे सोसाइटी में, तब तक हम इसमें ना तो कोई ऑफर, ना कोई स्कीम का लाभ नहीं ले सकते, कोई भी स्कीम हो जाए। तो अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं, तो सबसे पहले सोसाइटी एक आपको सलाहकार की पोस्ट देती है, सलाहकार या एडवाइजर, इसके अकॉर्डिंग ही अपन इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सपोज और मान लेते हैं जनवरी से अपन इसको, जैसे कि दिसंबर को लगभग लगभग स्टार्ट हुआ और लास्ट खत्म ही होने वाला है, सपोज दैट आपने जनवरी से ही सोसाइटी को ज्वाइन किया और आपने स्टार्ट किया काम, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में सिर्फ सोसाइटी ये बोलती है कि आपको 25,000 रुपए का काम करना है। 3 महीने में आपको सिर्फ 25,000 रुपए का काम करना है, चाहे वो आप आरडी से करो चाहे एफडी से करो, टोटल 25,000 रुपए का काम करना है आपको जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने का आपको मिलता है टाइम, ठीक है जी। तो जैसे कि अगर आप यही काम आरडी से करते हो, ये जो 25,000 का काम आपको सोसाइटी बोल रही है कि 25,000 का काम करना है, वो यही अगर काम आप आरडी से करते हो, सपोज दैट हमने 1,000 रुपए की किसी की आवर्ती जमा योजना खोली या आरडी खोली, रेकरिंग डिपोजिट इसको बोलते हैं, और 1 साल से लेकर 6 साल तक अपने यहां सर आरडी होती, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जैसा जो भी बंदा जो भी प्लान खरीदना चाहे उस टाइप की अपने यहां आरडी होती। तो कोई जैसे अगर अपन के यहाँ 6 साल की आरडी खोलता है सर, तो अपने यहाँ 6 साल में उसका जो कैश डिपोजिट होता है वो होता है 72,000 रुपए, 72,000 रुपए उसका डिपोजिट हो जाएगा, और उसको जो मतलब परिपक्वता राशि मिलेगी 6 साल के बाद वो होगी 1,09,388 रुपए। ये तो सामने वाले सदस्य की होगी, जिसकी अपन ने आरडी खोली, ये तो उसकी उसकी होगी मेच्योरिटी, परिपक्वता राशि 1,09,388 रुपए, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आपने 25 अकाउंट खोल दिए, कुछ अपने नॉलेज में 100-200 बंदे तो होते ही होते हैं, कोई भी बंदा हो,
तो अपन को सिर्फ सलाह देना है ना भाई कि ऐसी ऐसी सोसाइटी है भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, सब कुछ रजिस्टर्ड है, सब कुछ सही है। और अगर कोई अपनी बंदा कोई भी अपनी बचत करता है, सेविंग करता है, तो ओनली 25,000 का अपन को टारगेट देना है, 25,000 का काम करवाना है। 25,000 का काम कर लेता है, जैसे 1,000 रुपए के सिर्फ 25 अकाउंट तो खुलना, चाहे वो 500 के खुले, चाहे 200 के खुले, चाहे 500 600 सब प्रकार के प्लान है, सिर्फ 25,000 रुपए का टारगेट करना है, होता है। और जब बंदा वो 25,000 रुपए का टारगेट कर लेता है अगर, तो उसका उस बंदे का प्रमोशन भी हो जाता है। प्लस जब 25,000 का टारगेट करता है तो जो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सैलरी नहीं दी जाती, कोई भी जो भी कार्य करता है उस बंदे को सैलरी नहीं मिलती, टोटल कमीशन बेस पे काम होता है। अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं, टोटल सीधा सा फंडा है। तो अपने यहाँ जो सर कमीशन होता है वो होता है 2.80 रुपए। और किसी कंपनी में आप जाओगे या कहीं पर भी जाओगे तो वहां 15%, 20%, 30% तक कमीशन मिलता है, और कमीशन वो लोग बांटते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपने यहाँ 2.80 रुपए ही कमीशन मिलता है, क्योंकि जो आरबीआई के अकॉर्डिंग आपको कमीशन चार्ट है, जो मतलब वो दे सकते हैं वो ही आपको कमीशन मिलेगा। आपको 15-20% मिले तो पॉसिबल नहीं है। तो सर 2.80 रुपए हमारे यहाँ आरडी का कमीशन होता है, प्लस 4% हमारे यहाँ होता है कलेक्शन चार्ज। कलेक्शन चार्ज का मतलब जो भी मतलब बंदा उसको कलेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आपने अकाउंट खोला तो भाई आप ही कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करके ब्रांच में डिपोजिट करोगे, तो आपको टोटल कमीशन मिलेगा। लेकिन इसको अपन कुछ भी समझ सकते, चाहे पेट्रोल खर्चा समझ सकते, कुछ भी समझ सकते हैं एक्स वाई जेड। तो 4 × 6 + 6 + 80 हो गया। तो जो भी आप काम करोगे आरडी का, तो जो सलाहकार की पोस्ट पर जो भी बंदा है उस बंदे को 6 रुपए 80 पैसे के हिसाब से कमीशन मिलेगा। और जब हम इस कमीशन को 25,000 को 6 रुपए 80 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1,700 रुपए मासिक आपका वाउचर आएगा। मतलब जो आपकी अर्निंग होगी वो 1,700 रुपए पर मंथ आपको स्टार्ट होगी, 6 साल की, कोई कम नहीं होता। ऐसा नहीं है भाई, कोई कुछ कंपनियों में ऐसा भी होता ना कि एक साल तक वो 20% देगी, फिर 10% देगी। अगर शायद कोई कंपनी में यहां काम किया हो किसी ने, तो वो समझेगा कि मतलब किस टाइप से। तो अपने यहां सब लगातार मिलता है, जो भी मिलेगा रेगुलर मिलेगा 1,700 रुपए पर महीने। समझ में आ रहा है सब, ठीक है ना। तो 1,700 रुपए पर महीने उसको मिलता रहेगा। तो भाई जब जनवरी फरवरी मार्च में उसने ये काम किया, उसको 1,700 रुपए पर मंथ आने लगा, और जब इसने ये काम किया तो उसका हो जाएगा सर प्रमोशन। क्या हो जाएगा सर? प्रमोशन। हर 3 महीने में सर हमारे यहाँ प्रमोशन कर सकते हैं आप, ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आपको कब प्रमोशन लेना भाई। तो अगर आप में क्षमता है तो आप हर 3 महीने में प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये काम किया आपका, आपका प्रमोशन हो गया, आपको जो नेक्स्ट ग्रेडर मिला है वो है एफओ फील्ड ऑफिसर क्षेत्र अधिकारी। मार्च खत्म हो गया था अपना, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर आ गया, और एफओ आपको उपाधि भी मिल गई, थोड़ा आप बड़े मतलब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आ गए हो, फील्ड ऑफिसर की रैंक पे आ गए हो। अब आपको एक लीडर की तरह काम करना है और अपने नीचे लोगों से काम करवाना है। अभी आप अकेले थे, आपने इतना संघर्ष किया, 1,700 रुपए आपका वाउचर नहीं लगा, ठीक है जी। लेकिन 1,700 में तो संतुष्ट नहीं हो सकते ना। तो अब एफओ जब आपको को जो कैडर मिलेगा उस पर सिर्फ आपको अपने टाउन में कुछ बंदे मतलब लोगों को लगाकर उनसे काम करवाना है, उनको भी अर्निंग करवानी। तो क्या काम करवाना है? सिर्फ आपको 5 बंदों को लगवाना है जी, यानी 5 बंदों को आपको लगाना है अपने जैसे, जो कुछ करना चाहते हो, जो फालतू में क्या कुछ भी कर रहे हो और जो वास्तव में कुछ करना चाहते हो, तो ऐसे बंदों को आपको ढूंढ के 5 बंदों को प्लान डिस्कशन करके ऐसे 5 व्यक्तियों को अपने डाउन में लगाना है। और जो काम आपने किया सेम वो ही इन लोगों से करवाना है। क्या करवाना था? 25,000 का बिजनेस। तो 25×50 = 125, 125,000 का काम होगा आपके डाउन में होगा ना, क्योंकि ये तो सारे आपके नीचे ही हैं। ये काम करेंगे तो इन जो ये बंदे काम कर रहे हैं उनको तो ये मिलेगा जो जो आपको मिला, बट आपको क्या मिलेगा? जब 1,25,000 का आपके नीचे काम हुआ तो आपको जो ओआरसी होगा
ORC जिसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन, जो इन लोगों के काम करने से आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा सर 1.70 ₹1.70। समझ में आ रहा था सबको? ₹1.70 मिलेगा। और जब ₹1.70 को अपन 1,25,000 से कैलकुलेट करेंगे तो सर मेरे हिसाब से ₹2,125 आपका आएगा। तो काम आपने ये तो आपका अलग ही है, ये प्लस और आने लगा 2,125। पहले से कितना आ रहा सर? 1,700 आ रहा ना। ये हो गया भाई अर्निंग मंथली। और कितना टाइम हुआ सर? 6 मंथ ओनली, 6 मंथ हुआ और ₹3,825 हमारी अर्निंग स्टार्ट मासिक हो गई। अब जून आपका खत्म हो गया यहां पर, इसके बाद आया सर जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तीसरा क्वार्टर आ गया। और जब आप ये क्वार्टर पार कर जाओगे तो सर यहां पर फिर से आपका क्या हो जाएगा? प्रमोशन। हर 3 महीने में भाई प्रमोशन है, अगर आप नेक्स्ट कैडर पार करते जाते हो तो कोई इशू नहीं है, आपका प्रमोशन भी रेगुलर होता जाएगा। तो जब थर्ड कैडर पे आप आ जाते हो तो थर्ड कैडर होगा, वो होगा ऑर्गेनाइजर, संगठन करता। और जो काम यहां पर किया सेम ऐसे ऐसे काम आपको बढ़ाना है, तो क्या करना है? 1, 2, 3 और 4 यहां पर कितने लगाए थे जी? 5 बंदे। यहां पर कितने लगाने? बट आपको ये लगाने नहीं है, आपको क्या करवाने? लगवाने हैं। किन बंदों से लगवाने हैं? जो 5 बंदे आपने लगाए हुए थे, तो आपने लगाए थे 5। अब एक बंदे से ये बोलना है भाई कि आपको सिर्फ 4 बंदों को लगाना है। कितने बंदों को लगाना? 4। तो 4 बंदे ये लगाएगा, 4 ये लगाएगा, 4 ये लगाएगा और 4 ये लगाएगा। तो कितने बंदे थे पहले अपने पास? 5 × कितने लगाएंगे ये? 4। कितने साहब? 5 × 20। काम कितने का करना? 25,000 का। कोई सेम काम करना, कोई ज्यादा नहीं काम करना भाई, सिस्टम के अनुसार सिर्फ ₹25,000 का काम करना है। तो 20 लोग जब 25,000 का काम करेंगे तो साहब 5,00,000 रुपए का आपके डाउन में काम होगा। कितने का होगा साहब? 5,00,000। और जो ORC होगा, ORC ओवरराइडिंग कमीशन, वो होगा 0.75%। कितना? 0.75, यानी 75 पैसा ही उस बंदे को सिर्फ मिलेगा इन लोगों से। क्योंकि आप तो ये थे, यहां पर आपने 5 बंदे लगाए तो आपको ₹1.70 मिला इन लोगों का, बट अब ये अपने डाउन में जब लगाएंगे तो आपको सिर्फ 75 पैसा ही कमीशन मिलेगा। तो जो कमीशन होगा सर, वो होगा हमारे हिसाब से, जब 75 पैसे के हिसाब से हम 5,00,000 को कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा अपना 3,750 रुपए। और 3,825 अपन का पहले से आ रही है, ऐड कर देंगे इसको 7575, 7,575 रुपए आपकी अर्निंग स्टार्ट। तो सितंबर तक सर 7,575 रुपए अर्निंग स्टार्ट हो गई। इसके बाद ये सर साफ कर दूंगा, अगर समझ में आ गया हो सब कुछ, ठीक है जी भाई? फोटो निकालो उसका एक, चलो रहना तो कोई